नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। गुजरात चुनाव, नवसारी में रैली के दौरान अजान सुनकर पीएम मोदी ने 2 मिनट तक रोका भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 4 चुनावी रैलियां की, जिसमें 3 सौराष्ट्र में और 1 दक्षिण गुजरात में थी। दक्षिण गुजरात के नवसारी में रैली के दौरान पास की मस्जिद से जब अजान की आवाज सुनाई दी तो पीएम मोदी ने करीब 2 मिनट के लिए अपना भाषण रोका दिया। पीएम मोदी ने माल एवं सेवा कर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार देने पर आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया और कहा कि देश लूटने वाले सिर्फ डकैतों के बारे में ही सोच सकते हैं। राहुल बुधवार को जब सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, उस वक्त मोदी एक जनसभा में लोगों से कह रहे थे कि कांग्रेस उपाध्यक्ष के पर नाना जवाहरलाल नेहरू उस वक्त नाखुश थे जब सरदार पटेल ने 1950 के दशक में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू कराया था। राहुल की ओर से जीएसटी की आलोचना करने पर मोदी ने कहा कि हाल में एक अर्थशास्त्री उभरे हैं जो जीएसटी की दर 18% पर सीमित करने का सुझाव देकर ग्रैंड स्टूपिड थॉट जीएसटी यानी बेहद बकवास विचार जाहिर कर रहे हैं। मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक में अड़ंगा लगाया। मोदी ने जल संरक्षण, खेती और सौराष्ट्र के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों की फहरिस्त गिनवाई। क्षेत्र के मोरबी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह हैंडपंप मुहैया कराने जैसी छोटी योजनाओं का श्रेय ले रही है, जबकि भाजपा सरकार ने नर्मदा परियोजना जैसे बड़े काम कराए। पाटीदार समुदाय के गढ़ में लोगों से भाजपा को वोट देने की जोरदार अपील करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी को 100 साल तक सत्ता से बाहर नहीं जाने देना है। गुजराती में अपने भाषण में मोदी ने कहा, आज कुछ तथाकथित स्मार्ट लोग, कुछ नए अर्थशास्त्री उभरे हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल की गब्बर सिंह टैक्स वाली टिप्पणी पर मोदी ने कहा, जिन्होंने जिंदगी भर लूटा ही है वे तो सिर्फ डकैतों को ही याद करेंगे। गौरतलब है कि मशहूर फिल्म शोले में गब्बर सिंह नाम का एक किरदार था। धन्यवाद।